वह गीता महोत्सव को लेकर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कोरोना के चलते 2 साल तक गीता महोत्सव नहीं मन सका, लेकिन इस बार भव्य तरीके से गीता महोत्सव मनाया जाएगा। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि 19 से 6 दिसंबर तक गीता महोत्सव चलेगा और 29 नवंबर से प्रमुख कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसके शुभारंभ के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। महोत्सव 2022 की शुरुआत होने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई, साथ ही गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज जी भी इस दौरान उनके साथ रहे। वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, एक बड़ा आयोजन लगातार सरकार की तरफ से करवाया जाता रहा है, इस बार किस तरीके से विशेष होगा? सर, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में पिछले जो 5-6 वर्ष से चल रहा है वो कुरुक्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना है निसंदेह। 2 वर्ष बीच में कोविड के कारण कुछ सीमित हुआ कार्यक्रम, लेकिन इस वर्ष एक नई सोच के साथ, एक नए उत्साह के साथ फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हो रहा है, जिसमें भारत के माननीय राष्ट्रपति स्वयं प्रारंभ करने आ रहे हैं। देश के अनेक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ, प्रशासन, न्याय, व्यवसाय से जुड़े लोग उसमें सम्मिलित होंगे। अनेक चिंतक भारत और भारत से बाहर के उसमें आ रहे हैं। देश के अनेक वरिष्ठ संत इस उत्सव में आने वाले हैं और ऐसे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोगों की उत्सुकता रहते हैं और जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण या कुरुक्षेत्र या केवल आध्यात्मिक सुबास ऐसे आयोजन होंगे, जिससे हमें लगता है कि इस बार पिछले आयोजनों की अपेक्षा इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अधिक व्यापकता और अधिक विराट स्वरूप लिए होगा। बड़ी पहल आप लोगों की तरफ से, गीता को विदेशों में भी वहाँ के लोग भी अब जान रहे हैं। सर, ऑस्ट्रेलिया की में भी अब होगा, अगली बार 2023 में आमंत्रित किया गया उनकी तरफ से, तो विदेशों में जो प्रचलित हो रही है गीता, उसे किस तरीके से? वास्तव में हमें लगता है कि विदेशों में, विश्व में अनेक समस्याएं बढ़ रही हैं, समाधान विज्ञान के पास है नहीं, विज्ञान मौन हो दिखाई देता है, राजसत्ताएं बिल्कुल स्तब्ध सी हैं कि समाधान ढूंढे कहाँ समस्याओं का। कहीं युद्ध की विभीषिकाएं, कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कोरोना जैसी एक विकट समस्याएं, समाधान नहीं। तो जब हम कहते हैं गीता उचित समाधान है, तर्क संगत समाधान है, तो उस नाते से विश्व में स्वीकार्यता बड़ी है और बढ़ रही है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी। और जिस तरीके से जो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव शुरू होने जा रहा है उसकी जानकारी दे रहे थे। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेगा, 29 नवंबर को देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी, शुभारंभ इसका करेंगी और एक भव्य तौर पर गीता जयंती जो महोत्सव है उसे मनाने की तैयारी की जा रही है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार।